दूं जरा, मैं बात करो आपका लेखा जोखा बताऊं मैं जरा। सर हमारा मैं बताऊं, बता दीजिए। देखिए ना, मैं डुबकी लोग नहीं लगा पा रहे थे, कितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं पता है? 5000 करोड़ रुपए आपके खर्च हो चुके हैं, 5000 करोड़ रुपए, 282 करोड़ रुपए खर्च करके तो साबरमती रिवर फ्रंट बन गया, साबरमती नदी साफ हो गई। और सोचिए 5000 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके कह दिया है कि अब हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है 2025 तक, और राजनीतिक बेशर्मी की ये पराकाष्ठा है। दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी के प्रवक्ता की एंकर ने बोलती बंद कर दी जब उससे पूछा गया कि आपने यमुना की सफाई के बारे में क्या किया, आपने क्यों 5000 करोड़ रुपए खर्च दिए मगर अभी तक यमुना की सफाई नहीं हुई, जबकि 282 करोड़ रुपए खर्च के यमुना से भी बढ़िया साबरमती रिवर फ्रंट बन गया था और साबरमती नदी की भी सफाई हो गई थी। तो बहुत ही मज़ेदार डिबेट है, देखिए इस वीडियो को और आप अपने कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। तो देखते हैं ये वीडियो। आपका लेखा जोखा बताऊं मैं जरा। सर हमारा मैं बताऊं, बता दीजिए। देखिए मैं बताता हूं, रुकिए, अब हो गया। नहीं, आपकी पोल खुलनी भी जरूरी है। जनता आप व्हाइट कॉलर नहीं है साहब। सर जब यमुना में डुबकी लोग नहीं लगा पा रहे थे, जब यमुना में 10 साल पहले 15 साल पहले से हालात ऐसे हो गए थे कि वहां जाना मुश्किल था, कितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं पता है? कुछ अंदाजा है आपको? कुछ अंदाजा है कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? 5000 करोड़ रुपए आपके खर्च हो चुके हैं, 5000 करोड़ रुपए, 282 करोड़ रुपए खर्च करके तो साबरमती रिवर फ्रंट बन गया, साबरमती नदी साफ हो गई। और सोचिए 5000 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं, ये 2093 से 2021 तक की बात कर रहा हूं, अभी एक साल और निकल गया है। त्रिपाठी जी, सर मुझे ये बताइए कि जनता की जेब का पैसा, जनता उस यमुना में जाके डुबकी भी लगाए क्योंकि पर्व है, आस्था है, और आस्था से ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी सरकार ये सब कब तक ऐसे खेल खेलती रहे? और इन पर भरोसा आदमी तब क्यों कर लेता है जब चुनाव होता है और बाद में फिर आदमी गाली भी देता है? देखिए विद्यानाथ जी, मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर मसला है। इसमें किसी पार्टी, किसी जाति धर्म, किसी क्षेत्र से रहेंगे तो वो यमुना में कम असर करेगा ऐसा नहीं होगा जी। वहां तो अगर आप जाएंगे यमुना गंदी है तो उतना ही असर करेगा। और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके कह दिया है कि अब हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है 2025 तक। ये ट्वीट है उनका, मैं कह रहा हूं आप लोग भी उनके ट्विटर अकाउंट पर जाइए। और राजनीतिक बेशर्मी की ये पराकाष्ठा है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो बहुत क्रांतिकारी राजनीति वाले लोग आए तो लोगों को लगा, हम सब भी रिपोर्टर के तौर पर तब तो काम करते थे तो जाते थे, लगता था कुछ चमत्कार करने वाले हैं। आप सोचिए 2015 से लेकर 2022 तक प्रतिवर्ष ये वादा करते हैं और अब तो वादा भी नहीं करते, अब कहते हैं कि 25 के पहले इसकी बात मत करिएगा। और कोई कह रहा था अभी, मैं शायद कौशिक जी ने कहा कि अरे यमुना गंदी, जो देश भर में यमुना है उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है, यहाँ 22 किलोमीटर, 1300-1350 किलोमीटर यमुना है, लेकिन जो प्रदूषण है वो 80% इसी दिल्ली मॉडल वाली यमुना में है, और उसके बाद भी वो केमिकल छिड़क कर झाग हटाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम यमुना साफ नहीं करेंगे, जब छठ पे आप नहाने जाएंगे तो सिर्फ झाग हटा देंगे। इस बेशर्मी को जानना जरूरी है, ये राजनीतिक बेशर्मी खतरनाक है। और मैं ये कह दूं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्लीन चिट मिली हुई है, इनके समय में भी यमुना ऐसे ही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 7 सालों में केंद्र से फंड मिलने के बावजूद, और मैं याद दिला दूं जब 15 के बाद ये चुनकर आए थे तो 4 साल के बाद इन्होंने कहा कि अब हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 साल ये लड़ते रहे, कोई काम नहीं करना है। और जो अभी कौशिक जी कह रहे हैं कि 23 तक तो केंद्र कर देगा, यानी केंद्र सरकार साफ कर देगा, तो वहां जाएंगे और अरविंद जी डुबकी लगा लेंगे, अपने से कुछ नहीं करने वाले।